चलो बच्चों, वी हैव फोर क्वेश्चन कंप्लीट इन द लेबर कॉस्टिंग बच्चों. ओके, स्टडी वी डिड द बच्चों द डे बिफोर स्टडी एक्चुअली बच्चों, टू क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड आई थिंक क्वेश्चन फोर बच्चों. एंड द स्टडी वी डिड बच्चों टू क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन थर्ड बच्चों किया था. ओके बच्चों, लेट डू द बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव. अ वर्कर इज पेड रुपीज 100 पर मंथ. अ वर्कर इज पेड रुपीज 100 पर मंथ एंड डियरनेस अलाउंस रुपीज 200 पर मंथ बच्चों. अब बच्चों कभी कभी पर मंथ दिया रहेगा, ओके ना, सो वी हैव टू इनटू 12. कभी कभी नहीं करना है सर, कैसे मालूम पड़ेगा? ये फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है बच्चों कि पूरा ईयर एंडिंग का ही सम रहता है. दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल अकाउंट, दिस इज अ कॉस्टिंग. तो इसमें बच्चों अगर सम में देखने आके एनुअल का इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या लोगों को, इफ दे आज द एनुअल सो इंटू 12 करना पड़ेगा. If they ask for monthly, we have to do, no need to do multiply. Like कल बच्चों हमने क्या था क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब क्वेश्चन थर्ड था बच्चों, उसमें वो खाली मंथली इन्फॉर्मेशन था बच्चों, सॉरी मंथली भी नहीं, वीकली इन्फॉर्मेशन था बच्चों, ओनली वन वीक का इन्फॉर्मेशन था. तो वन वीक का था तो वन वीक का बस, मंडे टू सैटरडे तक का बच्चों. तो समटाइम देखने बच्चों क्वेश्चन अगर एनुअल बोला रहेगा तो एनुअल कन्वर्ट करना है, मंथली बोला रहेगा तो बच्चों मंथली कन्वर्ट करना है. ओके बच्चों, तो ध्यान रखना वो सब. ओके, लाइक क्वेश्चन वन के था बच्चों कल अप्रैल मंथ का इन्फॉर्मेशन था बच्चों. तो अप्रैल मंथ में था ओनली 30 डेज का इन्फॉर्मेशन दे वन, तो हमने खाली 30 डेज में कन्वर्ट किया बस. तो डोंट बी आँख बंद करके ब्लॉक आउट हो जाने का कि बच्चों एक जैसा पैटर्न है. नो, इन द लेबर कॉस्ट में जो पैटर्न विल बी डिफर. ओके, समटाइम दे विल आस्क द एनुअल, so you have to go for into 12. Sometimes they ask only for monthly base, sometimes they ask the daily basis, or sometimes they may be ask the weekly base bachcho. To question thoda sochne ka, ek hi jaisa nahi rahega ki yearly hamesha rahega bachcho. Labor costing as a pattern fix nahi bachcho, unlike the financial account bachcho. Financial account mein kaisa tha bachcho? Financial account mein kaisa rehta tha aapko? उधर फॉर द ईयर एंडिंग, सो सब सारा इन्फॉर्मेशन बच्चों एनुअल एनुअल ईयरली रहता था बच्चों. लेबर कॉस्टिंग में क्वेश्चन का बेसिक हमेशा देखने का बच्चों. कभी क्वेश्चन आपको मंथली बेस का खाली रहेगा, समटाइम ईयरली बेस का रहेगा बच्चों, समटाइम वीकली बेस का रहेगा. ओके, तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करना बच्चों. ये ऐसा नहीं सोच के रखने का कि पर मंथ आया तो हमेशा 12 से मल्टीप्लाई करना है, ओके ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बच्चों. पर मंथ का 12 से कभी करें बच्चों जब वो एनुअल बोला रहेगा, तो मंथली बोला रहेगा तो नहीं बच्चों. ओके ना, सो व्हाट इज गिवन हियर, अ वर्कर इज पेड 100 रुपीज पर मंथ एंड द डियरनेस अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ. देयर इज अ प्रोविडेंट फंड 8:1/3%. 8:1/3 मतलब बच्चों 8/1/3, दैट इज 8.33 बच्चों. 8:1/3% एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ द एज अ एम्प्लॉई. तो पी एफ में बच्चों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, सेम है, 8.1/3%. द ई एस आई सी प्रीमियम इज 1.5%. ई एस आई सी प्रीमियम 1.5%, दैट इज 1.5%. ओके बच्चो, ऑफ द विच ऑफ विच 0.5% इज पेड बाय द एम्प्लॉय. अब क्या बोलो बच्चो, 1.5% इज ई एस आई सी कंट्रीब्यूशन है बच्चों, लेकिन इसमें बोल रहा है 0.5%, दिस 0.5% बच्चों पेड बाय द एम्प्लॉय. अभी इधर भी क्या था बच्चों, पी एफ में बोल रहा है दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन है, 8/1/3 एम्प्लॉय, 8/1/3 एम्प्लॉयर. बट इधर ई आई सी में बच्चों 1.5% कंट्रीब्यूशन टोटल है, उसमें 0.5% कंट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉय का बच्चों. सो आउट ऑफ द 1.5, 0.5 अगर एम्प्लॉय का है तो रिमेनिंग 1% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. क्यों बच्चो, 1.5 क्या है, द ई एस आई प्रीमियम इज 1.5% ऑफ द वेजेस ऑफ विच मतलब उसके अंदर 0.5% इज पेड बाय द एम्प्लॉय. सो आउट ऑफ 1.5% बच्चो 0.5% पेड बाय द एम्प्लॉय, रिमेनिंग 1% पेड बाय द एम्प्लॉयर. क्यों बच्चो, तो इसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बच्चों 1% है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 0.5% है. पीएफ में बच्चों दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है,
बट जो ESI में बच्चों 0.5% एम्प्लॉय का है और 1% एम्प्लॉयर का बच्चों, ओके। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर, इन अ ईयर आ रहा है बच्चों, इन अ ईयर, ईयर एनुअल बच्चों, तो वी हैव टू गो फॉर अ एनुअल। सो नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300 वर्किंग डेज बच्चों, तो कंपनी में वर्किंग डेज कितना बच्चों 300 ऑफ 800 एट आवर्स ईच डे, 300 डेज है बच्चों और 8 आवर्स ईच, मतलब बच्चों 300 दिन काम हुआ 8 घंटे रोज का, तो टोटल आवर कितना होगा बच्चों 2400 मल्टीप्लाई कर दो, 300 डेज है बच्चों और 8 आवर्स पर डे है बच्चों, तो मल्टीप्लाई तो 2400 आवर्स आ गया, ओके। चल सुनाइएगा बच्चों, आउट ऑफ दीज द वर्कर इज एंटाइटल टू 15 डेज लीव ऑन अ फुल पे बच्चों। अब क्या बच्चों, आउट ऑफ दीज, आउट ऑफ डेज मतलब ये जो 300 दिन है बच्चों उसमें वर्कर को बोला कि आप 15 दिन का छुट्टी ले सकते हो, वर्कर अलाउ टू एंटाइटल मतलब राइट्स 15 डेज लीव विथ फुल पे बच्चों, इसका मतलब क्या बच्चों 15 दिन छुट्टी ले सकते हो फुल पेमेंट पे, मतलब पेड लीव बच्चों, पेड लीव और नॉन पेड लीव बच्चों, कुछ कंपनी में पेड लीव मिलता है बच्चों, पेड लीव मतलब छुट्टी चालू है लेकिन फिर भी पगार भी कंटिन्यू बच्चों, बाकी जगह पे छुट्टी तो है लेकिन उसका पगार नहीं मिलेगा, संडे को छुट्टी है लेकिन आपको 26 डे का सैलरी मिलेगा, समवेयर बच्चों संडे छुट्टी है लेकिन आपको पूरा 30 दिन का पगार मिलेगा बच्चों, जो पेड लीव, तो जो पेड लीव होता है क्या होता है बच्चों कंपनी के लिए डबल लॉस है, क्यों बच्चों, एक तो छुट्टी भी लिए हो ऊपर से सैलरी देना पड़ रहा है बच्चों, छुट्टी लिए तो काम भी नहीं, बिना काम के पैसे देना पड़ता, दैट इज अ डबल लॉस। तो आउट ऑफ 300 डेज में बच्चों 15 डेज कैसा टाइम है बच्चों, फुल पेड लीव है बच्चों, पेड लीव मतलब काम बंद है, यू आर नॉट वर्किंग बट स्टिल द पेमेंट इज देयर, तो क्या हो गया बच्चों अनप्रोडक्टिव आवर्स, आइडियल टाइम हो गया बच्चों, क्यों, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन पगार चालू है बच्चों, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। इट इज़ अ फर्म प्रैक्टिस टू पे 2 month वेजेस एज अ बोनस फॉर ईच ईयर, और कंपनी का पॉलिसी कैसा है बच्चों, इट इज़ अ फर्म प्रैक्टिस मतलब पॉलिसी टू पे 2 month वेजेस एज अ बोनस फॉर ईच ईयर, कंपनी क्या करता है हर साल 2 महीने की सैलरी क्या करता है एज अ बोनस देता है बच्चों। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर, वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर मतलब बच्चों इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं हम लोग तो देखने हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, सेकेंडली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों वेदर इट इज़ गिवन द एनुअल बेस और द मंथली बेस बच्चों, तो इस समय वो जो 300 डेज क्या होता है बच्चों ईयरली था ना, इन अ ईयर देर इज 300 डेज ऑफ 8 आवर्स बच्चों, तो ईयरली इन्फॉर्मेशन है ठीक बच्चों। तो क्या क्या अपने पास इन्फॉर्मेशन बच्चों, वी हैव इन द सैलरी, वी हैव इन द DA, ओके, देन PF कंट्रीब्यूशन है बच्चों, देन EIC कंट्रीब्यूशन, बस फिर 300 डेज है बच्चों ऑफ 8 आवर्स पर डे, लेकिन उसमें बोल रहा है क्या बच्चों 15 डेज क्या बच्चों पेड लीव है, इसका मतलब बच्चों 300 डेज में 15 डेज पेड लीव है, मतलब छुट्टी तो है बट पेमेंट चालू है बच्चों, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग आइडल टाइम, ओके, दिस इज अनप्रोडक्टिव टाइम बच्चों, अनप्रोडक्टिव मतलब खर्चा हो रहा है बट पेमेंट नहीं, वर्किंग कुछ रिजल्ट नहीं है बच्चों, ओके, दैट इज कॉल्ड पेड लीव। और व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट बच्चों, इफेक्टिव आवर, वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर मतलब बच्चों इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, ओके, दैट बच्चों कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, ओके बच्चों। फर्स्ट क्या करते हैं बच्चों हम लोग इसमें टोटल लेबर कॉस्ट फाइंड करना बच्चों, टोटल लेबर कॉस्ट, सो वी हैविंग द वेजेस पेड पर मंथ, ठीक है बच्चों, वेजेस पेड 100 रुपी पर मंथ, दैट इज बेसिक पे 100 रुपी इंटू पर मंथ, तो 12 करना पड़ेगा बच्चों बिकॉज ईयरली है, सो 1200 राइट, देन DA बच्चों 200 रुपी पर मंथ, DA 200 रुपी पर मंथ 2400 राइट बच्चों। चलो फिर क्या बच्चों, देर इज अ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन,
8 1/3% एंड द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑल्सो रिमेन द सेम बच्चों। तो हम लोग बच्चों लेबर कॉस्ट में खाली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना बच्चों 8 1/3% बच्चों। किसका लेंगे बच्चों? बेसिक एंड डीए दोनों का लेने का बच्चों। 1200 प्लस 2400 इंटू 8 1/3 8 1/3 8.33। ऑल वे बच्चों बेसिक एंड डीए दोनों का लेने का रहेगा तो ओके। चलो बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1200 एंड 2400 बच्चों, तो 3600 इंटू 8.333% बच्चों, तो आ गया बच्चों 300 रुपीज़ बच्चों। वेरिएबल बच्चों 1/3% है, 1/3 को बोलते हैं 3/3। हाँ कैल्सियम हमेशा 3/3/3 पूरा लेना बच्चों, तो यू विल गेट अ नियर आर आंसर बच्चों ओके। 3600 इंटू बच्चों 8.33% करूँगा मैं, तो 299.88 आ रहा बच्चों। बट वेन वी डू द 3600 इंटू 8.333333% करो बच्चों, तो यू गेट अ 300 रुपीज़ एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, ये हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब क्या बच्चों? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। देन बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन टू ESIC कितना बच्चों? 1.5%। बट 1.5% में क्या बच्चों? 0.5% पेड बाय द एम्प्लॉई है, तो ओनली 1% विल बी द एम्प्लॉयर बच्चों। तो 1200 प्लस 2400 उसका 1% 3600 हो गया बच्चों। 3600 का 1% करना बच्चों तो 36 रुपीज़ आएगा बच्चों। राइट बच्चों, बस और कुछ भी है नथिंग। ये टोटल बच्चों 3600 प्लस 3900 36, ये आ गया आपका बच्चों टोटल लेबर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, वी गॉट द टोटल लेबर कॉस्ट, बेसिक पे, डीए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन PF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ESIC। अभी सेकेंड क्या निकालते बच्चों हम लोग? इफेक्टिव आवरली आवर ना बच्चों, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। कितना दिया था बच्चों? वर्किंग डेज, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300। वन ईयर में बच्चों 300 दिन वर्किंग डेज है ऑफ 8 आवर्स ईच। तो वर्किंग आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स बच्चों 300 डेज है बच्चों इंटू 8, तो कितना 2400 आवर्स। राइट बच्चों, 300 डेज है इंटू 8 आवर्स पर डे, तो 2400 माइनस आइडल टाइम। अब आइडल टाइम कितना बच्चों? आइडल टाइम मतलब क्या था बच्चों? अनप्रोडक्टिव टाइम, मींस कंपनी पेमेंट कर रहा है लेकिन वर्क नहीं हो रहा बच्चों। तो क्या दिया था? ऑफ दिस वर्क इज इंटाइटेड 15 डेज लीव ऑन द फुल पे। ये जो 300 दिन है उसमें 15 दिन वर्कर को अलाउ होता है कि आप छुट्टी ले सकते हो फुल पेमेंट पे बच्चों, जैसे आइडल टाइम बच्चों 15 डेज है बच्चों। तो हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, वर्किंग आवर्स ही ना बच्चों हम लोग को। 15 डेज इंटू 8 तो 120 2280 आ गया बच्चों आपका इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स ओके बच्चों, वी गॉट। शुड आई गो? चलो बच्चों थर्ड क्या करना है बच्चों? इफेक्टिवली आवरली कॉस्ट। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट बच्चों क्या फार्मूला था बच्चों? इफेक्टिव आवरली कॉस्ट का मतलब
टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग आवर्स राइट बच्चों, कितना बच्चों टोटल वर्क लेबर कॉस्ट 3936 अपॉन 2280 बच्चों, राइट बच्चों। चलो डिवाइड कर देते बच्चों हम लोग, 3936 डिवाइड बाय 2280 इट इज बच्चों 1.726। सब बंद कर दो बच्चों। इसमें मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, सब में बोनस भी दिया था बच्चों के, इट इज़ अ फॉर्म प्रैक्टिस टू पे द 2 month वेजेस एज अ बोनस ईच ईयर। 2 महीने का बोनस भी था बच्चों। इट इज़ फॉर्म प्रैक्टिस टू पे द वेजेस, 2 month वेज बच्चों। इट इज़ फॉर्म प्रैक्टिस टू पे 2 month वेजेस एज अ बोनस बच्चों। तो सब में बोनस भी था बच्चों, तो बोनस भी एक्चुअली आएगा था बच्चों, इसके बाद वो ऐड होगा सॉरी। तो बोनस वी हैव टू गेट, कितना का बोनस? 2 महीने का बोनस मिलता बच्चों। अब 2 महीने का बोनस कैसे लिखेंगे बच्चों? सैलरी का वेजेस, तो वेजेज जब होता तो डी ए और ये दोनों को लेने का बच्चों, 100 रुपये और प्लस 200 रुपये बच्चों 300 भी। लेकिन बच्चों मंथली था तो 2 महीने का बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों 600। बोनस इक्वल टू बच्चों व्हाट द गिवन? इट इज़ फॉर्म प्रैक्टिस टू पे 2 month बोनस, 2 month वेज एज अ बोनस बच्चों ईच ईयर। 2 महीने का जो भी पगार होता बच्चों कंपनी उसको बोनस देता। तो 2 महीने का पगार कौन सा बच्चों? बेसिक और डी ए, ये लेने बेसिक और डी ए बच्चों। सर इसका लेंगे ना? नहीं, ये ईयरली हो गया बच्चों। हम लोग को बोला है कि 2 महीने का वेजेस, 1 महीने का वेजेस कितना बच्चों? 100 + 200 = 320, 300 रुपये 1 महीने का वेजेस बच्चों। तो 2 महीने का कितना आएगा? 600 रुपये बच्चों। ओके, इतना आएगा बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 3600 प्लस 936, तो एक्चुअली बच्चों ये टोटल आएगा 4536। ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट ओके, इफेक्टिवली आवरली कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट अपन इफेक्टिव वर्किंग आवर्स बच्चों। तो थोड़ा आंसर मेरा बच्चों 4536 अपॉन 2280 बच्चों। तो डिवाइड बाय 2280 डेट इज बच्चों 1.99 आ रहा है ए बच्चों। सो बच्चों तो हमने मैं बोनस का पॉइंट मिस कर दिया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक क्या करता है? इसका लेके आता बच्चों, द गिवन द बच्चों 2 month का सैलरी जो भी आपको मिलता है वो बोनस मिलेगा। अब 1 महीना बेसिक पे बच्चों 1 महीने कितना था? 100 रुपये पर मंथ था, और डियरनेस 200 रुपये पर मंथ था बच्चों। तो टोटल 300 रुपये बच्चों, 300 रुपये पर मंथ है, तो इंटू 2 बिका 2 month का बोनस है बच्चों। ओके, ये टोटल बच्चों एंड देन डिवाइडेड रहा बच्चों ये। तो इफेक्टिव आवरली कॉस्ट करने के लिए पहले टोटल लेबर कॉस्ट बच्चों, बेसिक पे देखिए मंथली तो इंटू 12, डीएनए मंथली इंटू 12। पीएफ कितना बोल रहा बच्चों? 8.33। किसका लेंगे बच्चों? जब भी बेसिक और डीए दिया तो दोनों लेने का बच्चों, दोनों का 8.33। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई से बच्चों, अब बोनस बोला था बच्चों 2 महीने का जो सैलरी है उसका बोनस रहेगा बच्चों। तो ये था मंथली बच्चों, तो इंटू 2 किया। क्यों 2 कर रहा बच्चों? बिकॉज ओनली को 2 महीने का वेजेस चाहिए उन लोगों को एज अ बोनस। ठीक है, गेट लेबर कॉस्ट, टोटल वर्किंग आवर बच्चों 300 डेज है और 8 आवर्स पर डे। आइडल टाइम बच्चों उसमें 15 दिन क्या है बच्चों? पगार चालू है लेकिन पेमेंट नहीं है, आई मीन पगार चालू है बच्चों लेकिन वर्क नहीं है, दैट इज आइडल टाइम। 8 से मल्टीप्लाई करना बिकॉज डेज है बच्चों, तो डेज है तो इंटू 8, सो यू गेट अ आवर्स, इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव वर्किंग आवर्स बच्चों। ओके बच्चों, आई फिर डिवाइड कर दो बच्चों इसको, हो जाएगा बच्चों ये। तो मैं था एक्चुअली बोनस का पॉइंट मिस कर दिया था बच्चों, तो बोनस पॉइंट था आप लोग एडजस्ट करना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हाँ कॉस्ट पर डे बच्चों। अब इसके पीछे वाले समय क्या चाहिए था बच्चों? कैलकुलेट द वेजेस रेट पर आवर, कैलकुलेट द वेजेस रेट पर आवर, उन लोग को आवरली रेट चाहिए था बच्चों।
और इधर क्या चाहिए बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे बच्चों, कॉस्ट पर डे चाहिए बच्चों हम लोग को, ओके, ऑफ 8 आवर्स ऑफ एंगेजिंग इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बच्चों लेबर 8 घंटे ड्यूटी करता है, वी हैव टू कैलकुलेट बच्चों कॉस्ट पर डे, हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हम लोग को आवरली नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, डेली कॉस्ट चाहिए अभी क्या बच्चों। सो व्हाट वी हैव बच्चों, मंथली सैलरी बेसिक प्लस डी। अब देखो बच्चों, मंथली सैलरी ब्रैकेट दिया बेसिक प्लस डी, मतलब डायरेक्ट कंबाइन करके दिया बच्चों बेसिक एंड डी। लीव सैलरी पेबल टू वर्कमैन 5% ऑफ सैलरी, लीव सैलरी पेबल बच्चों कितना है 5%। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF ऑफ सैलरी आइटम ए एंड बी बच्चों, तो ए और बी का जो आइटम बच्चों वो ऐड करके उसका 8% बच्चों क्या दिया बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन PF 8% ऑफ सैलरी आइटम ए एंड बी, तो ए और बी का। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट का इंश्योरेंस 2.5% सैलरी ए एंड बी का बच्चों, तो ए और बी में जो भी आएगा बच्चों उसका 8% PF है एंड 2.5% ESI है बच्चों। एक्सपेंडिचर ऑन द एम्यूनिटीज 17.95 rupees पर हेड पर मंथ बच्चों। एम्यूनिटी मतलब जो फैसिलिटी, हर एक आदमी पे महीने का फैसिलिटी के लिए कितना खर्चा होता है बच्चों, 17.95 rupees बच्चों। एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्यूनिटी 17.95 पर हेड पर मंथ, एक आदमी के पीछे कंपनी को महीने का फैसिलिटी के लिए कितना खर्च करना है बच्चों, 17.95। देन बच्चों दिया है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ 200, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ क्या मतलब बच्चों, एक महीने में कितने आवर्स है बच्चों वर्किंग आवर्स, सो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ इज अ 200 इन अ मंथ बच्चों 200 घंटे काम हो रहा है बस बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या बच्चों, हम लोग को इन्फॉर्मेशन आवरली नहीं चाहिए बच्चों, हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए बच्चों, डेली चाहिए, ओके वो ध्यान रखना बच्चों। अब बच्चों अब इसके पहले समय बच्चों 300 डेज था, सो वी हैव मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट 2400 आवर्स ना बच्चों, मतलब डेज रहेगा तो उसको आवर से मल्टीप्लाई कर दो तो आवर आ जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ बच्चों 200 घंटे और रोज़ का 8 घंटे बच्चों, टोटल 200 आवर्स है बच्चों और रोज़ का 8 आवर्स है, तो क्या बच्चों डिवाइड कर दो 200/8 कितना आ गया 25 डेज रहेगा बच्चों, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो आवर में आ गया, आवर दिया हुआ हम लोग को डेज में चाहिए बच्चों तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 8 घंटे रोज का बच्चों और टोटल 200 आवर्स है तो वेरिएबल बच्चों डेज रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट आवर्स, आवर्स दिया है डिवाइड बाई करो तो अपने को मिल जाएगा डेज, ओके तो इसमें बच्चों डेज का सम चाहिए, ओके बच्चों। इस समय हम लोग को ये ध्यान रखना बच्चों कॉस्ट पर डे चाहिए बच्चों, कॉस्ट पर आवर नहीं चाहिए बच्चों। हम लोग आवरली कॉस्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, आवरली कॉस्ट टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव आवर ना बच्चों, इफेक्टिव आवर्स, आवर से डिवाइड करते हैं, जब आवर से डिवाइड किया बच्चों तो आवरली कॉस्ट आएगा। हम लोग को डेली कॉस्ट चाहिए बच्चों, डेली कॉस्ट चाहिए तो क्या करना बच्चों, डे से डिवाइड करना पड़ेगा क्या बच्चों, वेन यू डिवाइड बाय आवर बच्चों तो यू विल गेट द आंसर आवरली, वेन यू डिवाइड बाय द बच्चों डे तो यू विल गेट द डेली, वेन यू डिवाइड बाय द ईयर यू गेट द ईयरली। अगर बच्चों कोई भी अमाउंट में हम लोग ईयर से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आंसर ईयरली आएगा, डे से डिवाइड किया बच्चों तो आंसर डेली आएगा, और आंसर बच्चों अगर आपने अमाउंट को आपने लेब आवर से डिवाइड किया बच्चों तो आवरली आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों इस समय। तो छोटे छोटे समय बच्चों लेबर कॉस्ट में कोई एकदम बड़े बड़े सम नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर नहीं ढंग कंट्रोल में रहेगा बच्चों, कुछ बच्चे अभी जो देख रहे हैं वीडियो, अरे ये तो वो चिंदी है ऐसा सोच रहे होंगे, ओके बच्चों अगर लेबर कॉस्टिंग मटेरियल इतना चिंदी होता ना बच्चों तो आप पता लगाओ कॉस्टिंग में जितने बच्चे फेल होते ना उतना अकाउंट वन में भी नहीं फेल होते बच्चों, फिर भी लोग अकाउंट वन को ज़्यादा अकाउंट वन टफ उससे ज़्यादा बच्चों कॉस्टिंग में फेल होते हैं, ओके तो ध्यान रखना बच्चों ये सब बेसिक चीज़ें कि क्या बोल रहा बच्चों,
आवरली बोल रहा है, इधर पे डेली बोला, तो सब पॉइंट यू हैव टू कंट्रोल थिंक दैट। लेट टेक बच्चों, पहला दिया मंथली सैलरी, दिया ऑलरेडी गिवन बच्चों मंथली सैलरी, ब्रैकेट में लोग खुद ही दे दिया बच्चों बेसिक प्लस डी ए, दे ऑलरेडी गिवन बच्चों 200 रुपीज़। ठीक है बच्चों, सर इंटू 12 नहीं किए, नहीं क्या मैंने 12 बच्चों, क्योंकि जब ईयर का कहीं पे वर्ड आया था बच्चों, ईयरली कहीं वर्ड बोला था, कुछ कुछ भी नहीं दिया था बच्चों, सर कीप मंथली बच्चों। चलो फिर क्या बच्चों, लीव सैलरी पेएबल, लीव सैलरी इधर पे नंबर डाला था बच्चों ए ए बी, मैं ए और बी क्यों डाल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि उधर पे ए एंड बी का आइटम का बोल रहा है बताओ बच्चों, तो अगर वैसे ध्यान रहे तो चलेगा। लीव सैलरी पेएबल, कितना बच्चों है 5% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना बच्चों 200 रुपये, उसका 5% 10। ठीक है बच्चों, अभी क्या बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% सैलरी, बट ब्रैकेट में क्या दिया बच्चों, आइटम ए एंड बी, 8% ऑफ सैलरी आइटम ए एंड बी बच्चों, आइटम ए एंड बी मतलब बच्चों ये ए था और ये बी था बच्चों, ये दोनों का 8%, तो 200 + 10 उसका 8% बच्चों, क्या बच्चों 8% पीएफ है बच्चों कंट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी, बट आइटम ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, 210 का बच्चों 8%, 16.8। क्या बच्चों, फिर क्या बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ESIC 2.5% ऑफ सैलरी ए एंड बी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2.5% ऑफ सैलरी, अब ब्रैकेट में क्या दिया बच्चों, ए एंड बी क्या बच्चों 200 + 10 उसका 2.5% बच्चों, 210 इंटू 2.5% 5.25%। देन क्या बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन द एमिनिटीज, एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज बस बच्चों इतना दिया था, ये द टोटल बच्चों, और कुछ है क्या, मैं देख लेता एक बार बच्चों, नो दे नो बोनस नथिंग, सबका टोटल करो बच्चों 210 + 16.8 + 5.25 + 17.95 ₹250 आ गया बच्चों, बच्चों 250 रुपीज़, ये क्या आ गया बच्चों टोटल लेबर कॉस्ट, बराबर बच्चों, अब सेकेंड पॉइंट क्या निकला, ये तो क्या था बच्चों टोटल लेबर कॉस्ट आ गया, फर्स्ट पॉइंट टोटल लेबर कॉस्ट, सेकेंड पॉइंट क्या बच्चों, अभी क्या निकलता है बच्चों, हम लोग इफेक्टिव आवर ना बच्चों, बट इसमें अभी इफेक्टिव आवर नहीं निकालना बच्चों, इफेक्टिव डे निकालने का, ओके इफेक्टिव वर्किंग आवर, वर्किंग डेज बच्चों, डेज निकालना, डे कैसे निकालते देखेंगे बच्चों, बट द गिवन बच्चों नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन अ मंथ 200, नंबर ऑफ आवर वर्क इन अ मंथ, महीने में कितने घंटे काम हो रहे बच्चों 200, सो वर्किंग आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स 200, बराबर बच्चों 200 घंटे काम हो रहा है, लेस आइडल टाइम,
कुछ दिया बच्चों, सब में अनप्रोडक्टिव टाइम नॉट गिवन बच्चों, देर इज नो अनप्रोडक्टिव टाइम, कोई भी दिया नहीं कहीं पे वर्डिंग अनप्रोडक्टिव टाइम है या आइडल टाइम है, सब कुछ दिया नहीं बच्चों, नथिंग। ये 200 आ गया बच्चों, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। वेट, दोनों थोड़ा शांतरों में बताऊंगा अभी। देखो चीज आवर्स में दिया था ना, इसमें आवर लिखा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, यानी 200 घंटे आ गए बच्चों इफेक्टिव आवर्स। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों? इफेक्टिव वर्किंग डे चाहिए बच्चों। तो ऊपर दिया था बच्चों कि पर डे कितने घंटे काम होता बच्चों? 8 आवर्स ना, सिंस वन डे इक्वल टू 8 आवर्स ना, 8 घंटे को वन डे बोलते बच्चों, तो 200 में देयरफॉर इफेक्टिव वर्किंग डेज, इफेक्टिव वर्किंग डेज कैसे मिलेगा बच्चों? 200/8 तो कितना आ गया बच्चों? 25 डेज आ गया। ये था बच्चों आवर, तो अगर एग्जाम में हम लोग को आवरली कॉस्ट चाहिए तो आवर से करते हैं हम लोग, और हम लोग को डेली चाहिए बच्चों तो आवर को डेली में डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। हमेशा याद रखने बच्चों ईयर है, ओके ना, ईयर को अगर हम लोग को डे में कन्वर्ट करना हो ऐसा आता है बच्चों, मंथ रहता था तो इंटू 12 करते तो बच्चों क्या था? ईयर ना, मंथ को हम लोग 12 से करते तो ईयर, राइट बच्चों? डे को इंटू करेंगे बच्चों हम लोग तो आवर में आता है, आवर को हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों तो वी विल गेट अ डे। अगर डे दिया रहेगा बच्चों तो मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट अ आवर, आवर दिया बच्चों तो क्या करना, डिवाइड करना, तो यू विल गेट अ डे। ठीक, तो 25 डेज वर्किंग है बच्चों। अब टोटल लेबर कॉस्ट वर्किंग डेज, देयरफॉर इफेक्टिव डेली कॉस्ट, इफेक्टिव डेली कॉस्ट बच्चों क्या आएगा बच्चों? टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन क्या करो बच्चों? इफेक्टिव वर्किंग डेज, कितना बच्चों टोटल लेबर कॉस्ट? 250/25 या 10 बच्चों। तो ये था बच्चों इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके पीछे वाले समय बच्चों हम लोग को आवरली रेट चाहिए था, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? डेली चाहिए। तो फर्स्ट बच्चों मंथली सैलरी, लीव सैलरी पेएबल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ए और बी का बच्चों 8%, ए और बी का बोला था, दिस इज ए बच्चों दिस इज बी, तो ए और बी का 8%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बच्चों ए और बी का 2.5%, एक्सपेंडिचर दिया है बच्चों ये द टोटल। मैं डेज क्यों लिख रहा बच्चों, आवर क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि दे आज द आवर कॉस्ट पर डे, एक्चुअल वर्किंग आवर दिया है, नो आइडल टाइम गिवन, इफेक्टिव आवर्स 8 आवर्स को वन डे बोलते बच्चों, तो 200 आवर में कितने दिन रहेंगे? 25 डेज बस। सो इफेक्टिव डेली कॉस्ट इक्वल टू टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग डेज बच्चों, वर्किंग आवर नहीं डेज, 250/25 10 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आवर में रहेगा बच्चों तो आवर से डिवाइड करने का, इफेक्टिव वर्किंग आवर बच्चों तो आवर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बच्चे इफेक्टिव डे चाहिए कॉस्ट तो हम लोग डे से डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक, सो लेबर कॉस्ट में बच्चों सम छोटे ही हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने का बच्चों, ओके okay? अभी तक बच्चों उन्होंने 4 सम पहले किया था बच्चों, 2 सम ही हो गए बच्चों, ओके okay? अब देखोगे बच्चों कस्टमर आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड बच्चों, उसमें मैंने कुछ डिवाइड नहीं किया बच्चों क्योंकि उसमें खाली उन लोगों को कॉस्ट चाहिए था बच्चों। सम टाइम आवरली कॉस्ट, तो आवरली कॉस्ट तो आवर में कन्वर्ट करेंगे, सम टाइम दे वांट बच्चों कॉस्ट पर डे, डेली कॉस्ट चाहिए तो हमको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ओके डे में कैसे करो? लॉजिक सोचो ना बच्चों, अगर 200 घंटे बच्चों और एक दिन में 8 घंटा काम होता है तो कितने दिन काम हुआ रहेगा? 25 डेज बच्चों। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको केयर करना बच्चों बस, बाकी चैप्टर में कुछ है नहीं बच्चों, ओके ना।